नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो करंट अफेयर में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए डैश की सेवाएं ली है। ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, आमिर खान एंड अमिताभ बच्चन। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, साथ में दिन के ताज़ा तरीन खबरों के साथ रूबरू होंगे। उसके पहले अगर करंट अफेयर पर की गई मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन जो है दबा के उत्साह बढ़ाइए। अदरवाइज नीचे कमेंट्स में लिखिए कि सर इसे बंद कर दो, हमें नहीं देखना है। दो में से कम एटलीस्ट एक काम करो यार, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस करंट अफेयर को जारी रखना है या फिर इसको बंद करना है, क्योंकि इंग्लिश हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जिसको मैं 3 बजे लेके आता हूँ और 5 बजे लेके आता हूँ। सो उस क्लास पे मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। सो आज के दिन की ताज़ा खबर की तरफ पढ़ने से पहले आज का विचार, एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू ए बेटर टुमारो। हर दिन थोड़ा सा मेहनत करो ताकि आपका बेहतर जो है भविष्य बन सके, बेहतर कल आ सके। इसी विचार के साथ आज के दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगला आपका जो दिन है वो और बेहतर हो पाए। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स को लेके। ये 2019-20 का जो अवार्ड है वो अनाउंस हुआ है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको हिंदी में बोलेंगे, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ये 2019-20 का पुरस्कार जो है ये घोषित हुआ है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। तो कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनके नाम और किसने जीता है, किस कैटेगरी में जीता है, ये हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है, आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं, ये कुछ सुंदर सुशील चेहरे। सो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। हरियाणा से एक महिला जो है, महिला टीम की बात करें तो मिडफील्डर रहने वाली संजू यादव ने महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो महिलाओं की श्रेणी में मिडफील्डर संजू यादव ने, और अगर पुरुषों की बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर में तो गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, ये नाम है दोनों लोगों का, ये दोनों लोग का नाम कम से कम आपको याद होना चाहिए। कुछ और डेटा इसके विषय में देख लेते हैं कि 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर जो है गुरप्रीत सिंह संधू को मिला है, संजू यादव को मिला हुआ है महिला में। फिर अगर हम बात करें मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा को दिया गया है ये अवार्ड, और फुटबॉलर अगर वुमेंस में बात करें, फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें इमर्जिंग में, तो रतन बाला देवी को दिया गया है। इसी तरीके से अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी के लिए पी वेरा मुथु को दिया गया है, ये तमिलनाडु से हैं और नाम भी मतलब ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट रेफरी को दिया गया है 2019-20 AIFF अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी। सो यहाँ पे अजीत कुमार जी को दिया गया है, और अजीत कुमार मिताई जी को दिया गया है, ये मणिपुर से हैं। इसके अलावा अगर बात करें अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, वेस्ट बंगाल को दिया गया है, और कि किसने बेहतर ग्रास जो है डेवलप किया है, तो बेस्ड ऑन ई लाइसेंस कोर्सेज एंड गोल्डन बेबी जो है लीग, इन चीज़ों को लेके है। तो जो बेसिकली आपको नाम याद रखना है, संजीव यादव का नाम याद रखना है, गुरप्रीत सिंह संधू को याद रखना है, ये हमारे जो है मेल हैं, ये हमारी फीमेल है, प्लेयर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड इनको मिला है। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो पीएम मोदी आजकल बड़े सारे प्रोग्राम जो है अनाउंस कर रहे हैं, और उसमें से कई सारे पुराने प्रोग्राम है जिसका इनॉग्रेशन चल रहा होता। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में जो है 6 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो 6 मेगा प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अभी थोड़े दिन पहले जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बिहार में जो है कितने जो है प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था नमामि गंगे के तहत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 29 सितंबर 2020 उत्तराखंड को 6 मेगा परियोजनाओं की सौगात देंगे। बेसिकली 29 सितंबर 2020, तो आप ये करंट अफेयर 30 तारीख को देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि एक दिन पहले का न्यूज़ है, लेकिन भाई एक दिन पहले का न्यूज़ ही चलता है, आप 29 तारीख का न्यूज़ 30 तारीख को सुनते हो। तो कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी की संस्कृति एवं जैव विविधता को दर्शाने वाले पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन, ये एक संग्रहालय है जो कि इसका उद्घाटन करने वाले, ये संग्रहालय हरिद्वार के चंडी घाट पर बनाया जा रहा है। और इस मौके पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुस्तक रामिंग डाउन द गंगा का भी विमोचन होगा। पुस्तक को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा जो है सह प्रकाशित किया जाएगा। ये दो लोग मिलकर करेंगे।
NMCG और WII ये मिलके जो है क्लीन गंगा जो है राविंग डाउन द गंगा, क्लीन गंगा के लिए बेसिकली जो है ये क्या करने वाले, बुक का विमोचन करने वाले हैं, इसको प्रकाशित करने वाले हैं। तो कुछ ये स्पेशल डेटा है इस मेगा प्रोजेक्ट को लेके कि संग्रहालय जो है गंगा अवलोकन संग्रहालय बनने वाला है, हरिद्वार के चंडी घाट पे बनने वाली है, और जो बुक है आपकी राविंग डाउन द गंगा, ये आपकी जो है NMCG और WII मिलके इसको प्रकाशित करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगले न्यूज़ की तरफ मूव करें तो NIA का जो है तीन और सेंटर जो है लॉन्च होने वाला है। तो NIA टू हैव न्यू ब्रांचेज इन इम्फाल, चेन्नई एंड रांची। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले कितनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे पहले NIA की नौ ब्रांचेस थी। अब ये ब्रांचेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मुंबई में थी, गुवाहाटी में थी, जम्मू में थी, कोलकाता में, हैदराबाद में, कोची, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में थी। इन नाम को याद नहीं रखना है। तो टोटल मिला के तीन मंजूरी अब मिली, नौ पहले की है तो 12 जो हो जाएगी। NIA करती क्या है, बेसिकली जो आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे देश में, तो सेंट्रल एजेंसी है तो आतंकवादी गतिविधियों को मॉनिटर करती है, जांच करती है, पता लगाती है, उनको रोकने की कोशिश करती है। तो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है बेसिक जो NIA का काम है। तो इसके विषय में एक जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीन ब्रांचेज ओपन की जा रही है, और तीन ब्रांचेज कहाँ कहाँ ओपन की जा रही है, तो इम्फाल में, चेन्नई में और रांची में ओपन की जा रही है। और अगर थोड़ा सा डिस्कस करें ये सिटीज़ है कहाँ कहाँ, इम्फाल मणिपुर में है, चेन्नई आपका जो है तमिलनाडु में, और रांची उत्तराखंड में। तो ये चीज़ तो शायद आपको पता ही होगा सभी लोगों को। तो भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी अभी मनाई गई है, एक्चुअली 28 सितंबर का इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। 27 सितंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती से एक दिन पहले उनको श्रद्धांजलि दी और उन्हें बहादुरी एवं साहस का प्रतीक बताया। वैसे जो है श्रद्धांजलि दी जाती है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, लेकिन एक दिन पहले ही दे दी गई। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में, जो कि अब पाकिस्तान में, अब इंडिया में नहीं है। तो भगत सिंह करतार सिंह सरभा को अपना आदर्श मानते थे, जो कि गदर पार्टी के क्या संस्थापक थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा भी बनाई थी 1926 में। तो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था, करतार सिंह सरभा था। ये क्या थे, ये भगत सिंह के जो है मतलब आदर्श थे, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। तो ये कुछ डेटा है, वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की ये आ सकता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ये आ सकता है, नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी ये आ सकता है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो चीज़ है इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च्ड फॉर COVID-19। अब क्या हुआ है, अब देखिए वैक्सीन के लिए जो ICMR वैक्सीन, अभी आपको पता है कि हमारे देश में ICMR वैक्सीन डेवलप कर रही है और कोविड के लिए, और अलग अलग तरीके से ट्रायल चल रहे हैं। तो इन्होंने एक काम क्या किया है कि वेब पोर्टल इसके लिए और एक नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की है। तो अब इसके अंदर होने क्या वाला है, वो डेटा थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। ये लड़ाई अभी कंटिन्यूस चली रही है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। तो बेसिकली इसमें है क्या वेब पोर्टल पे, वेब पोर्टल पे वैक्सीन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो वेब पोर्टल पे डाला जाएगा। वेब पोर्टल से चाहे भारतवासी चाहे विदेश के लोग उससे कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री जो होने वाली है वो भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल में भर्ती, कोरोना वायरस के से संक्रमित आदि संबंधित आंकड़े एकत्रित करेगी। अब इसका जो राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री है ये है क्या, ये बेसिकली रजिस्ट्री है, मतलब इसमें ये डेटाबेस कलेक्ट कर रही है। डेटाबेस किसका किसका कर रही है, भारत में जो है कितनी तरीके का जो है जांच किया जा रहा है, आपको पता है कि बेसिक ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग तरीके के जो है वैक्सीन टेस्ट हो रहे हैं कि हाँ भाई ये सुटेबल है कि सुटेबल नहीं है, तो उनकी रजिस्ट्री मिलेगी। प्रयोगशाला में किस तरीके का जांच है, किस तरीके का उपचार है, क्या प्रबंधन है, क्या नवाचार हो रहा है, अस्पताल में कितने लोग भर्ती हो रहे हैं, कितने लोग बाहर हो रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड जो है एक पूरी की पूरी क्लिनिकल रजिस्ट्री इस पोर्टल पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो वर्तमान में भारत में कुल 3 COVID-19 टीकों के नैदानिक परीक्षण, मतलब नैदानिक बेसिक लेवल पर परीक्षण किया जा रहा है, जो कि अलग अलग चरणों में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आपको पता है कि जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड भी भारत में इसका जो है परीक्षण किया जा रहा है, ये अंतिम स्टेज में है। अभी आपने सुना था कि जो लोग मतलब
जो लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं उसमें से एक बंदा जो है बीमार हो गया, उसकी वजह से इसका जो परीक्षण है जो इसका आगे का काम है रोक दिया गया था। सो ये जो बेसिकली कोविशील्ड का परीक्षण है ये थर्ड ट्रायल में, किसमें थर्ड ट्रायल में है। और आपको पता है चाइनीज़ वैक्सीन अभी हाल ही में जो है WHO ने बोला कि चाइनीज़ वैक्सीन जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो काइंड ऑफ चांसेस लग रहा है कि उसको अप्रूवल मिल जाए। तो कई बार हम लोगों को लगता अभी है कि साजिश तो नहीं है, क्योंकि WHO के हेड कहाँ के हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और उनका नाम क्या है। ज्ञान सम्रागी लता मंगेशकर अवार्ड कन्फर्म टू उषा मंगेशकर। अब उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर का आपने नाम सुना है, और उषा मंगेशकर ये लता मंगेशकर की बहन ही है, तो ये वृद्ध हो गई हैं, पार्श्व गायिका रही हैं, को वर्ष 2020-21 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर से सम्मानित किया गया है। अब ये लता मंगेशकर की बहन थी, तो गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर ये एक पोस्ट डाला गया इनको, ये इससे नवाजी गई हैं। यह प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की बहन है। उषा मंगेशकर ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार के किस विभाग से अगर क्वेश्चन आ गया, बहुत रेयर केस होता आता है, लेकिन अगर आप RRB NTPC या अदर एग्जाम दे रहे हैं तो ये थोड़ा इनडेप्थ भी आपका करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। तो इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है, एक प्रशस्ति मिलती है और एक स्मृति चिन्ह मिलता है। तो 5 लाख की राशि है। और ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्श्व गायिका रही हैं, मतलब ये लता मंगेशकर की बहन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उषा मंगेशकर है। मंगेशकर से आप याद रख सकते हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, इनको गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर के सम्मान से नवाजा गया है। इसके बाद अगले खबर की तरफ चलेंगे, तो RBI रोप्स इन अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। RBI ने क्या काम किया है कि अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो आपको पता है कि बैंक में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए क्या काम किया है, ये वाले फेस का इस्तेमाल करना चालू किया है। अब आपको अमिताभ बच्चन मिलेंगे जो है बैंकिंग से रिलेटेड अवेयरनेस के जो भी कैंपेन होंगे उसमें अमिताभ बच्चन मिलेंगे, और इनका जो स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट के साथ मिलेंगे वो कुछ स्टेटमेंट है। द कॉस्ट ऑफ अवेयरनेस इज हार्डली ए पेनी बट इग्नोरेंस कैन कॉस्ट यू हार्ड अर्न मनी। जो अवेयरनेस की जो कॉस्ट है वो ना के बराबर है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो आप खो सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि बैंक के जो धोखेधड़ी का काम है उससे रिलेटेड जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए RBI ने जो है अमिताभ बच्चन को चुना है। तो बेसिक न्यूज़ यही है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि RBI ने किस अभिनेता को जो है, किस, शायद पहला क्वेश्चन भी आज के दिन का यही था कि किस अभिनेता को जो है सामने रखा हुआ है अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो ये अमिताभ बच्चन को रखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। और फर्स्ट लुक ऑफ रैपिड ट्रेन टू रन बिटवीन दिल्ली मेरठ, ये देख रहे हैं फर्स्ट लुक, ये मेट्रो दिख रहा है। तो अभी आपको ये पता है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर एक तरीके से बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो दिल्ली मेरठ RRTS, दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ड्रीम प्रोजेक्ट में जो रास्ते बड़े लंबे लंबे होते हैं समय के हिसाब से उनके रास्ते छोटे रखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रेन चलाई जाने वाली है इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहने वाली है, और इस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इसका फर्स्ट लुक जो है रिलीज किया गया है। तो थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के लुक का अनावरण कर दिया। इस ट्रेन का निर्माण बॉम्बार्डियर कंपनी कर रही है। तो नाम पूछा जा सकता है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में जो आपकी RRTS जो है रेल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका निर्माण कौन कर रहा है, बॉम्बार्डियर कंपनी कर रही है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक, किस इस कौन फंड कर रहा है, ADB फंड कर रहा है, एशियाई विकास बैंक, और एशियाई विकास बैंक सो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। और $3.94 अरब जो है इसकी लागत होने की उम्मीद है, और इस पर जो ट्रेन चलेगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। तो इसका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, दिल्ली मेट्रो जो है RRTS, दिल्ली मेरठ मेट्रो नहीं सॉरी मेरठ, दिल्ली से मेरठ के बीच में RRTS दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगला जो न्यूज है, वोडाफोन विंस लॉन्ग बैटल अगेंस्ट इंडिया ओवर ₹20,000 करोड़ रेट्रो टैक्स डिमांड। देखो यार, ये जो आपको पता है वोडाफोन आइडिया इस वक्त मिल के VI हो गया है, और आपको ये शायद न्यूज़ इसके पहले भी दिया है,
तो भारत सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, ये वर्सेस वोडाफोन के बीच में लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई वोडाफोन ने जीत लिया है। तो बेसिकली क्या था, रेट्रो टैक्स को लेके ये चल रहा था। तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का, तो छोटा मोटा पैसा नहीं था, और ये कंपनियां भी इतनी बड़ी है कि इनकी लड़ाई काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, तो 20,000 करोड़ रुपये का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है। द हॉक कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ सुनाए गए फैसले में कहा कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष और बराबरी से जो है काम नहीं किया है। और हाक की अदालत में वोडाफोन की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, DMD पैरवी कर रहे थे। अब एक चीज़ और समझिएगा कि ये मसला क्या है, मसला थोड़ा समझिएगा। वोडाफोन ने साल 2007 में एक कंपनी नाम थी, ठीक है, तो हांगकांग के हचिसन ग्रुप के मालिक और जो है मोबाइल बिजनेस हचिसन एसआर में 11 अरब डॉलर इतना इन्वेस्ट किया और 67% जो है उसका जो है हिस्सेदारी खरीद ली थी। और ये जो खरीदा था वोडाफोन ने अपनी नीदरलैंड और कैमन आइलैंड, ठीक है, और यहाँ की कंपनियों से इन्होंने अलग अलग तरीके से शेयर्स बाई होते हैं, यहाँ के जरिए इन्होंने क्या किया, 67% शेयर जीत लिया। तो भारत का कहना था, भारत टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि कैपिटल गेन टैक्स नाम की एक चीज़ होती है कि अगर आप कैपिटल बड़ा करते हो, कैपिटल में गेन होता है, तो आपको भारत को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और कैपिटल गेन टैक्स बचा था और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बचा था, ये दोनों डिमांड कर रही थी कि भाई साहब आपको ये टैक्स देना ही देना है। तो 2007 से वोडाफोन लड़ाई लड़ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी। फिर उसके बाद क्या, थक गई। थकने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ली, केस चला, और केस 2012 से चल रहा था। 2012 के बाद अब जाके 2020 में ये केस जीत गई और 20,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गई। और वोडाफोन के लिए बड़ी बात है, गुड न्यूज़ फॉर वोडाफोन और बैड न्यूज़ फॉर टैक्स डिपार्टमेंट, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट। फिर अगला जो न्यूज़ है वो ये थोड़ा सा न्यूज़ है, ये आप कोस्टल एरिया देख रहे हो, तो इंडिया अपनी फर्स्ट कोस्टल गार्ड एकेडमी जो है मैंगलुरु में लॉन्च कर रही है। तो कर्नाटक के मैंगलुरु में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी बनाई जाएगी और ये पहली बार हो रहा है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत की रक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अकादमी बनाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB की करीब 158 एकड़ जमीन जो है ली जा चुकी है। यह ICG अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों के प्रोफेशनल मैरिटाइम ट्रेनिंग की इस दिशा में मील का पत्थर है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे होने क्या वाला है, जो मरीन लोग होते हैं इस तरीके का टेस्ट होगा, लोग ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग तरीके से कोस्ट में, ये लोग टेस्ट करेंगे। तो पहला जो मैंगलुरु में है वो इंडियन फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी जो है स्थापित की जा रही है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है आपका, अगला न्यूज़ से पहले कर्नाटका के विषय में अच्छा थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्टेट जो यहाँ की ट्री है वो संडालवुड है, और वैसे इतना सारा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेट फ्लावर लोटस है, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, और कैपिटल बैंगलोर लार्जेस्ट सिटी भी है। CM BS येदुरप्पा हैं, BJP के गवर्नर उजुभाई वाला हैं, और डिस्ट्रिक्ट 30, लोकसभा 28, राज्यसभा 12 सीटें। ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा है यहाँ का, ये पूछा जा सकता है, मान लो याद होना चाहिए। और अभी हम फिगर में देख लेते हैं इसके बॉर्डर कौन कौन से हैं कर्नाटका की, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको याद करने लायक है। कुंदरमुख, बांदीपुर नेशनल पार्क आपके एग्ज़ाम में एक दो बार पूछा गया है, और इसके बाद बांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारंगिरी वाइल्ड लाइफ, बाकी पिनाड़, और कोई जो है याद नहीं है। तुंग भंगा डैम ये पूछा जाता है, तुंगा भंगा डैम और तुंगा भद्रा नदी पे है ये, बस ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, और ये याद रख सकते हो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटका में है, और यहीं पे तुंग भद्रा डैम है, तुंग भद्रा नदी पे है, तुंग भद्रा नदी कर्नाटका से निकलती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेटा है जो आप याद रख सकते हो, बहुत सारा डेटा है, कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है वरना आपका समय बहुत बर्बाद होगा। आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका ध्यान से देखिए, ये कर्नाटका है, इससे चार जो है लगे हुआ, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरा हो गया आपका तेलंगाना, अब आंध्र प्रदेश अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बच गया, पहले एक ही था। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, ये है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो बॉर्डर्स धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाता है। फिर आगे बात चलते हैं एजुकेशन थ्रू रेडियो इन उड़ीसा। उड़ीसा में भाई साहब इतना परेशानी है 4G की, इवन दो 3G की, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल काम किया है कि भाई साहब हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते, तो हम रेडियो से पढ़ाएंगे, रेडियो से पढ़ाएंगे। तो 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे रेडियो पे अब सुनेंगे कि उनकी मैडम क्या पढ़ा रही है। लिटरली मेरा तो मानना है कि अगर मैं अभी छोटा बच्चा होता, मेरी मैडम पढ़ा रही होती रेडियो पे, तो मैं भाई बहुत सा इंजॉय करता, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो बच्चों को तो पढ़ाना है ही है,
बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक पूरा का पूरा क्या काम किया कि भाई साहब ठीक है अब रेडियो से पढ़ लो, तो 15 मिनट की शिक्षण जो है माध्यम से जो है मतलब 15 मिनट की छोटे छोटे बच्चों की कक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाएगी और रेडियो के माध्यम से क्लासेस चलेगी, तो एटलीस्ट बच्चा पढ़ाई तो करेगा। जैसे जो नज़ारा होगा ना वो कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा, एक रेडियो रखा होगा और ये इस तरीके का। मुझे बचपन में याद है कि हमने रेडियो पे इस तरीके से कब, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये वाला जो सीन है कभी आपकी लाइफ में हुआ, पर्सनल लाइफ में हुआ। आप में वो बच्चे हैं जो गांव देहात में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते थे, सहवाग बैटिंग कर रहे होते थे, युवराज बैटिंग कर रहे होते, कपिल देव बैटिंग कर रहे होते, और 2003 का वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप हो तो 2003 का वर्ल्ड कप मुझे पता है कि हम मतलब लाइट चली जाती थी, घर में बैटरी नहीं होती थी, वहाँ पे तो मतलब बैटरी से शक्तिमान देखने के लिए भागते थे, एक घर छोड़ के फिर 8-8 किलोमीटर दूसरे घरों की तरफ, उनके घर पे भैया बैटरी है वहाँ पे चल के देखेंगे, और अगर बैटरी भी ख़त्म हो जाती तो रेडियो लगा के सुनते थे, सचिन ने मारा छक्का, ये लगा बॉल बाउंड्री के बाहर। तो ये जो काम है ये ओडिशा सरकार करने जा रही है, और मेरा मानना है कि एटलीस्ट कम से कम एक अच्छा पहल तो है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता तो कैसे भी पढ़ाएं। तो ये याद रखिएगा उड़ीसा सरकार की ये पहल है। उसके बाद न्यूज़ फटाफट चलते हैं। तो माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाहनेडा ने पूर्व मालियन विदेशी मंत्री मोटार ओजोआ को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तो मोक्टर बेसिकली ONE, नाम बड़ा अजीब है यार, हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है, मोक्टर ONE, आप लोग भी इसको ऐसे याद कर लीजिए भाई साहब। इनको नामित किया गया है कहाँ, मालियन विदेश मंत्री को, और माली आपका देश का नाम है, ठीक है। तो इनको इन्होंने जो है नामित किया है, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इतना ही आप याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने लायक नहीं है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, और विषय वस्तु आपको याद रखना है, यूज हार्ट टू बीट कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, यूज हार्ट टू बीट कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, ये थीम है, ये विषय वस्तु है फटाफट न्यूज़ में। और अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊं तो जो जनरल आपको समझना है कि 29 सितंबर को क्या होगा कि वर्ल्ड हार्ट डे, दिल से रिलेटेड जो रोग होते हैं, दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएं होती है, उसको लेके जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है इस पर्टिकुलर डे पे, 29 सितंबर को स्पेशली जो है ये दिन रखा गया है ताकि लोग अपने दिल की धड़कनों को समझें कि उनका कैसे दिल की धड़कनें कैसे बिहेव कर रही है। ये आपका वैलेंटाइन डे नहीं है कि वाली दिल की धड़कन सुननी है, ये वो दिल की धड़कन सुननी है कि जो सही से चल रही हो, लड़की के लिए नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए सही से चल रही हो। तो इस दिन पे स्पेशली जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है। सो इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे फटाफट, वन लाइनर, और अब तक जो हमने सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वन लाइनर के माध्यम से। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन दो खिलाड़ियों को चुना गया, गुरप्रीत सिंह संधू एंड संजू को चुना गया है। किस राज्य में भारत की पहली तट रक्षक अकादमी स्थापित की गई है, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैंगलुरु में जो है। और टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है, 20,000 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया है। 28 सितंबर को किस भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है, भगत सिंह का मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन की सेवाएं ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, पुस्तक किसके द्वारा प्रसारित की जा रही है, तो अभी आपको मैंने बताया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NMCG छोटा याद रखिएगा, NMCG एंड WII, ठीक है, ये याद रखिएगा, छोटा है आसानी से याद रह जाएगा। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या था, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में से स्थित है NIA का हेडक्वार्टर। किसने कोरोना वायरस, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया हुआ है। दिल्ली मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट ट्रेन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, बॉम्बर्तियर करेगी भाई साहब, ये नाम याद रखिएगा। किसको माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है, मोक्टार क्यों ONE, ये नाम बड़ा अलग है, ONE। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं शिक्षा के वंचित हो रहे हैं, इसलिए डैश राज्य सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, तो उड़ीसा सरकार ने लिया है। वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार डैश को दिया गया है, बेसिकली उषा मंगेशकर को दिया गया है। इसके बाद आपका अगला सेक्शन आता है MCQ, तो वन लाइनर तक हमें सारी चीज़ें याद हो जाती है, MCQ में फटाफट अप्लाई करेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ
फुटबॉलर के रूप में, निम्न में से किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? ये आपके गुरप्रीत जी सिंह है संधु एंड वुमेन्स मिडफील्डर संजू। अच्छा, ये गुरप्रीत सिंह संधु एंड वुमेन्स मिडफील्डर संजू, ये दो बंदी हैं, ये लेडीज़ हैं और ये जेंट्स हैं भाई। ये मेल वर्क के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, ये फीमेल वर्क के प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसको? अमिताभ बच्चन को चुना हुआ है। और अगर हम बात करें कुछ पिछला, अगर रिवीजन हो जाए तो आयुष्मान खुराना, इतनी बार हम रिवीजन कर चुके हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर कहाँ के? बजाज एलियंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड के लिए है, ब्रांड एम्बेसडर क्या है? टोयोटा अर्बन क्रूजर के हैं अमिताभ बच्चन। इसके पहले इनका नाम आया था जब अलेक्सा के जो है वॉइस ऑन अलेक्सा है, सेलिब्रिटी वॉइस ऑन अलेक्सा है। फर्स्ट इंडियन आमिर खान की बात करें तो टायर कंपनी जो सीएट है आरपीजी इंटरप्राइजेज, रामा प्रसाद गोयन का ग्रुप, और इसका जो सीटी लिमिटेड है, सीईएटी सीट लिमिटेड, सीएट बेसिकली बोलते हैं इसको, क्या? सीएट टायर्स, नाम सुना होगा ना, सीएट टायर्स। और सीएट रैंकिंग निकाली जाती है खिलाड़ियों की, याद है कि आईसीसी रैंकिंग होती है उसी तरीके से सीएट रैंकिंग होती है, बहुत 1995 से सीएट रैंकिंग निकाली जाती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर जो है आमिर खान को चुना है अपना। अगला जो क्वेश्चन है, 28 सितंबर को किस भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका भगत सिंह का। और टेलीग्राम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का? 20,000 करोड़ रुपए का जो केस है ये जीत लिया है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जा रही? कर्नाटका में, बेसिकली जो है मैंगलुरु, कहाँ पे? कर्नाटका के मैंगलुरु में स्थापित की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, इस पुस्तक द्वारा मतलब किसने प्रकाशित किया है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। तो ये आपकी है WII, ये हो गई, और आपकी जो हो गई NMCG ये हो गई, और ऑप्शन है बोथ 1 और 2, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या रहा है? ये रहा है आपका यूज हार्ट टू बीट कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। इसके ऑप्शन भी ऐसे हैं कि कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा, यूज हार्ट टू बीट कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। और इसके बाद जो है थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होम, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया जाता है। स्टार फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानेट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट, ये रिडक्शन जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है। इंड रैपिज कोलैबोरेट वैक्सीनेट वर्ल्ड रैबिज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ रिवीजन रहा, क्विक और फास्ट रिवीजन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम पिछली क्लासेस में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल किया है? ओडिशा सरकार ने किया ये काम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, नए कोरोना वायरस के लिए भारतीय आयुर्वेदक हर्षवर्धन ने, नाम यहीं पे है, पढ़े हुए चले जा रहे हर्षवर्धन ने, कोरोना वायरस COVID-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन से पहले, अमित शाह के विषय में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, नरेंद्र मोदी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 मिनिस्ट्रियां हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो कई सारी मिनिस्ट्रियां इनके बीच में बची हुई है। और दिल्ली मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट ट्रेन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो बॉम्बार्डियर करेगी, ये नाम याद रखिएगा। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपका, किसको माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? मुख्तार, मुख्तार तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, O N A, ये प्रोनंसिएशन सही से कीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, O N बीच में है, A ओ ए और बीच में न है, याद रखिएगा, इससे नाम भी आपको याद रह जाएगा, माली का नया प्रधानमंत्री कौन नामित किया गया है, ओनए मुख्तार ओनए। वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञि लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर को दिया गया बेसिकली। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, उषा मंगेशकर है, एंड ये रहा आज के दिन का आपका करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक का बटन हिट करते हुए जाइएगा। थैंक यू।